हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कूलम्स लॉ को सिंपली वे से पढ़ा था। तो जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर है Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज, और इस ओरिजिन से Q1 चार्ज का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R1, जिसको हमने माना है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज फर्स्ट। Q1 चार्ज का क्या है? पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से Q2 चार्ज है, वहाँ पर हमारे पास है Q R2, जो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज है। और जैसे ये दो चार्जेस के बीच में R डिस्टेंस है, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। कूलम्स लॉ से हमें पता लगा है। तो जब फोर्स लगेगा फर्स्ट चार्ज पर सेकंड की वजह से, तो उसको लिखेंगे हम फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड चार्ज, और ऊपर लगाएंगे वेक्टर इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट बाय सेकंड चार्ज। उसी तरीके से फर्स्ट चार्ज है, वो सेकंड पर भी फोर्स लगाएगा, जिसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय फर्स्ट। F21 फोर्स ऑन चार्ज सेकंड बाय फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें पता है कि जो F12 है, या फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड चार्ज है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, और दो चार्जेज हैं उन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, और बाय में उनके बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम डिस्टेंस क्या लें। तो जब फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड, यानी फोर्स लगेगा फर्स्ट चार्ज पर सेकंड की वजह से, तो ये वाले डिस्टेंस से लगेगा ये, और ये वेक्टर उस तरफ लगेगा। एफ फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड, तो डिस्टेंस कौन सा होगा? Q2 से Q1 की तरफ R21, ठीक है? तो R21 डिस्टेंस लेंगे जब फोर्स लगेगा फर्स्ट चार्ज पर, और उसका ही यूनिट वेक्टर R21 का यूनिट वेक्टर। सिमिलरली फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय फर्स्ट, अब सेकंड पर फोर्स लग रहा है फर्स्ट की वजह से, तो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये वाली डायरेक्शन में, ठीक है? तो यहाँ पर ये फोर्स कैसा होगा? फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 बाय जो डिस्टेंस हमने लिया है। Q1 से 2 की तरफ है, तो R12 डिस्टेंस, R12 का स्क्वेयर और R12 का ही यूनिट वेक्टर, ठीक है? तो एक बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो R21 है वो इक्वल और अपोजिट डिस्टेंस है R12 के, यानी Q1 से Q2 ये डिस्टेंस है, R12 और R21 दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट हैं। तो एक दूसरे की जगह हम इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, R21 की जगह हम -R12 पुट कर सकते हैं। तो फोर्स ऑन फर्स्ट हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है? तो इसके अंदर जो R21 है, इसकी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? -R12, क्योंकि हमने यहाँ पता लगाया है, ठीक है? तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो -R12 का स्क्वेयर हो जाएगा, और -R12 का यूनिट वेक्टर, ठीक है? तो जब यहाँ पे हम स्क्वेयर कर देंगे, तो स्क्वेयर करेंगे किसी माइनस वाली वैल्यू का, तो उस वहाँ से स्क्वेयर करने के बाद माइनस कट जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा हमारे पास? के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वेयर, और माइनस हट जाएगा। यहाँ पर यूनिट वेक्टर वाला माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्क्वेयर ही नहीं है। तो जब इस माइनस को आगे की तरफ लेके जाएंगे, तो जब यहाँ पे माइनस को आगे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे जब ये, ठीक है? तो जो ये हमारे पास माइनस था यूनिट वेक्टर वाला, वो आगे लिख देंगे हम। तो ये वैल्यू है कि Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वेयर और R12 का यूनिट वेक्टर। ये पूरी वैल्यू के Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वेयर और R12 का यूनिट वेक्टर, ये पूरी वैल्यू तो किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, ठीक है? तो के Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वेयर और R12 का यूनिट वेक्टर यही है, बिल्कुल सेम, ठीक है? सिर्फ माइनस एक्स्ट्रा आया है इसमें। तो जो ये वैल्यू है के Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वेयर और R12 का यूनिट वेक्टर, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल भी होगा, ठीक है? तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि
जो हमारे पास वैल्यूज है फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड वाले की, जो ये वैल्यू है ये फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट, ये पूरी वैल्यू ये वाली ये सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जगह हम फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट पुट कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस। तो फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड इक्वल होगा फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट और माइनस। जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ये अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है कि Q1 चार्ज जितना Q2 पर लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस तरफ लगाएगा और ये इस तरफ लगाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें।